तो दोस्तों कैसे आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके फोन में पैटर्न लॉक, पिन लॉक, कोई भी लॉक लग जाता है तो आप उसको कैसे हटाएंगे मोबाइल को बिना टच किए हुए। आपका मोबाइल वहां रहेगा, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, मोबाइल वहां रहेगा लेकिन मैं जो इसका लॉक है हटा दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का ट्रिक है, शायद से आप जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज यहां पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप यहां पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है। और आपको यहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद में इस घंटी को दबा देना है कि ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख पाएं। और दोस्तों आपको नीचे आना है, आपको यहां पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, गुड वीडियो, नाइस वीडियो, जो भी आपके समझ में आता, लेकिन आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा जब आपके फोन में कोई पिन या पैटर्न लग जाता है, आप उसको खोल नहीं पाते हैं तो आप दुकान वाले के पास लेके जाते हैं और आपको देना पड़ता है 150, 200, 250, 350, दुकान वाले के ऊपर है जैसा वो आपसे ठग ले, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में मोबाइल को बिना टच किए हुए उसका पैटर्न आपको हटा के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में पैटर्न लगा हुआ है और इसका पैटर्न मुझे नहीं पता, इसका पैटर्न मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जिस भी फोन को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसका पिन या पैटर्न हटाना चाहते हैं, आपको उसका ईमेल आईडी पता रहना चाहिए, ठीक है। उसका जीमेल आईडी आपको पता रहना चाहिए, यह कंडीशन है। अगर आपका फोन है तो डेफिनेटली आपको आपका जीमेल आईडी तो पता ही होगा, डेफिनेटली 100% पता होगा, जैसा कि मुझे इसका जीमेल आईडी पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, फिंड माई डिवाइस, ठीक है। आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको कर देना है साइन इन ए गेस्टर। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उसके बाद में यह ऑप्शन मांगेगा तो आपको साइन इन ए गेस्टर पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ परमिशन मांगता है तो आपको परमिशन दे देना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं एक जीमेल आईडी डाल दिया अपने इस वाले फोन का, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूं कि यह फोन लॉक है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यह फोन लॉक है, नहीं तो आप बोलेंगे यार बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं। मैं इसको यहां पे रख देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वाले फोन में ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में उसका पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं एक तरफ करके पासवर्ड डाल देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं पासवर्ड भी डाल दिया। अब आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे अभी यहां पे एक पेज नया खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपको यहां से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैं, यार ये लोग तो परेशान कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि एक नया पेज आ चुका है और यहाँ पे मेरे फोन का लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। जो मेरा फोन है कहाँ पे है उसका लोकेशन दिखा रहा है। अगर आप नीचे की साइड में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, प्ले साउंड, लॉक, इरेज का। अगर आप इस फोन में कोई साउंड बजाना चाहते हैं, फोन लॉक है फिर भी कोई साउंड बजाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बजा सकते हैं। अगर आप इस फोन को लॉक करना चाहते हैं, अपने हिसाब से लॉक करना चाहते हैं कोई पिन डाल के, तो भी आप लॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल को बिना टच किए हुए उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, ठीक है, उसका लॉक कैसे तोड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको करना है इरेज, आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा इरेज का, तो आपको इरेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इरेज पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहां से इरेज पे एक बार क्लिक करके इसको इरेज पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से इरेज हो चुका है और मेरा फोन ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई एडिटिंग विटिंग नहीं है, अभी जो मेरा फोन है ऑटोमेटिक चालू होगा। आप देख सकते हैं कि चालू हो गया, आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और आप इसका टाइमिंग यहां से देख लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे एडिटिंग वेटिंग करके चूतिया बना रहा है। तो दोस्तों इसमें यही कंडीशन है, आपको अपना ईमेल आईडी, जीमेल आईडी पता रहना चाहिए, उसके बाद में आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर कोई भी पिन हो, पैटर्न हो, आप उसको बिना टच किए हुए तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन आपको अपना जीमेल आईडी पता रहना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते जब तक यह फोन ओपन नहीं हो जाता।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा फोन बहुत देरी बाद फिलहाल फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है, जो लॉक था हट चुका है। अब दोस्तों आप स्टार्ट पे क्लिक करके इसको फटाफट इसके सेटअप को कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ। तो यार ये बहुत ही कमाल का तरीका है, अगर आपका फोन कभी भी लॉक हो जाता है, पिन पैटर्न भूल जाते हैं, तो आप इसकी मदद से उसको फिर से लॉक तोड़ सकते हैं, अपना 200, 250, 300, 350 बचा सकते हैं, ठीक है। आपको यहां पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर आपको यहां पे पासवर्ड डाल देना है, तो चलिए मैं पासवर्ड इस साइड में करके डाल देता हूं। नेक्स्ट करना है, वही सेम टू सेम प्रोसेस है यार। वाओ, आप देख सकते हैं कि मेरा फोन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके फोन में लॉक लग जाता है, पिन पैटर्न लॉक लग जाता है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से फोन को बिना टच किए हुए हटा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखा दिया, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं क्रेडिट भी दूंगा, आपका नाम भी लूंगा कि ये बंदे ने इस एप्लीकेशन के बारे में बताया था वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पे फॉलो करके कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।